तो गाइस क्या आप भी एक नए यूट्यूबर हो और आपको अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको हाइड करना, मतलब जो भी व्यूवर्स हैं वो लोग आपके सब्सक्राइबर्स को नहीं देख पाए, तो ये सेटिंग कैसे करते हैं क्रोम ब्राउज़र में, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो गाइस बहुत लोग होते हैं जो ये सेटिंग पता है, लेकिन बहुत लोग अभी ऐसे न्यू यूट्यूबर हैं जिनको ये सेटिंग बिल्कुल नहीं पता है, ये वीडियो उनके लिए है। और गाइस आप लोग एक बात जान लो, सब्सक्राइबर हाइड करने से ना बहुत ही ज़्यादा आपके चैनल पर इफ़ेक्ट पड़ता है और आपका चैनल बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करता है, क्योंकि जब कोई न्यू बंदा आता है ना आपके चैनल पे, तो वो जब आपके चैनल पे वीडियो को देखेगा और एंड आपके सब्सक्राइबर्स को जब देखेगा ना, तो आपका सब्सक्राइबर जब कम रहेंगे तो वो आपके वीडियो को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्टिंग में अपना सब्सक्राइबर्स हाइड कर देना है और जब आपके चैनल पे 1,000, 2,000, 3,000 या 5,000 तक सब्सक्राइबर्स हो जाए तब आपको अपने सब्सक्राइबर्स को अनहाइड करना है। तो गाइस चलिए हाइड करने का तरीका मैं बता देता हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करना है youtube.com, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है, तो आपको ये चीज़ लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कर तो यहाँ पे 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जीमेल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपने जीमेल वाले आइकन पर क्लिक करते हो यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना आपका जो भी जीमेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। एंड जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो ये वाला आ जाएगा आपके सामने, तो आपको यहाँ से सेटिंग्स, यहाँ पे नीचे लिखा रहा ना सेटिंग, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करते हो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा रहा है चैनल स्टेटस एंड फीचर, ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका जो भी YT स्टूडियो है क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा एकदम इजीली, ठीक है। तो गाइस जैसे ही आपका ये वाला पेज ओपन होता है आपको एकदम नीचे के साइड में आ जाना है, यहाँ पे आपको एक सेटिंग का आइकन दिखेगा। चलिए हम नीचे आ जाते हैं, जूम करके दिखा देते हैं, ये वाला सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा पहला जनरल, दूसरा चैनल, तो आपको चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चैनल वाले पे क्लिक करते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर देना है, एडवांस सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा आ रहा है सब्सक्राइबर काउंट, ठीक है, सब्सक्राइबर काउंट, तो यहाँ पे ये जो टिक मैंने किया हुआ है ना इसको आपको अनटिक कर देना है। मेरा शो कर रहा है अभी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अनटिक कर देना है। पहले मैं टिक रहेगा तो आपको अनटिक सिलेक्ट कर देना है, ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे लिखा आएगा डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइबेड टू माय चैनल, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनटिक करने के बाद आपको सिंपल से इसको जूम आउट करना है एंड जूम आउट करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे की तरफ सेव का आइकन मिल जाएगा ये, ठीक है, तो आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हो आपका चैनल से जो भी सब्सक्राइबर्स रहेंगे ना वो एकदम से हाइड हो जाएंगे। तो गाइस ये था एक सिंपल तरीका, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर से बता देना। और ये सेटिंग आप ऐसे करके आप अपने सब्सक्राइबर्स को हाइड कर सकते हो और सब्सक्राइबर हाइड करने के फ़ायदे मैंने बता दिए हुए हैं, तो आपको हाइड कर लेना है एंड अपने वीडियो को अपलोड करते रहना है। तो बस गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।